दोस्तों पिछले 2-3 महीने से सना जावेद और शोएब मलिक काफी खबरों में रह रहे हैं। पहले तो अचानक से इन लोगों ने शादी करके पाकिस्तान इंडिया समेत दुनिया भर में लोगों को हैरान और परेशान कर दिया। उसके बाद से ये लोग दोनों मिलकर कुछ न कुछ ऐसा करते हुए आ रहे हैं जिसकी वजह से कभी तो लोग इन्हें बहुत सराहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, मगर कभी कभी लोग इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो इस बार भी इन लोगों ने ऐसा ही कुछ किया है। इस सारे मामले की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों आप लोगों को याद होगा जब शोएब मलिक कराची किंग्स की तरफ से PSL खेल रहे थे तो वहां मैच देखने सना जावेद भी आई थी, तो वहां पे लोगों ने उनके साथ जो सलूक किया, वहां पे सानिया भाभी के जो नारे लगाए, ये सब तो हमें याद ही है। सानिया मिर्जा। इससे हमें यह अंदाजा होता है कि शोएब मलिक और सना जावेद की शादी को पाकिस्तान में एक हिस्सा आवाम का ऐसा है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आई सना जावेद की बर्थडे, जिसमें सना जावेद और शोएब मलिक ने एक बर्थडे का एहतमाम करा, जिसमें शोएब मलिक ने सना जावेद के लिए एक छोटी सी लेकिन खूबसूरत सी बर्थडे ऑर्गेनाइज की। जब वो बर्थडे की पिक्चर सोशल मीडिया पे अपलोड की गई तो वहां पे भी लोगों ने काफी शोएब मलिक को तनकीद का निशाना बनाया और कुछ लोगों ने सना जावेद को भी टारगेट किया। किसी ने कमेंट किया कि द मोस्ट हेटेड कपल इन 2024, तो किसी ने लिखा कि गालियां कमिंग फ्रॉम बोथ ऑफ कंट्रीज, किसी ने लिखा कि नेक्स्ट ईयर ही विल सेलिब्रेट ट विथ इज फोर्थ वाइफ बर्थडे, किसी ने लिखा कि ही लिटरली सोल्ड टीवी टू बाय रिमोट। एक सारिफ ने तो कमेंट में सानिया मिर्जा का स्टिकर कमेंट कर दिया, तो किसी ने लिखा कि डोंट चेंज योर हस्बैंड नेक्स्ट ईयर, तो किसी ने लिखा कि शोएब इज द मैन हु इज गेटिंग हेड फ्रॉम टू कंट्रीज, और एक यूजर ने लिखा कि काम ऐसा करो कि गालियां देने दो मुल्क आए, तो एक मोहतरमा ने लिखा कि नो रिस्पेक्ट फॉर दिस गर्ल। दोस्तों अभी ये सब खत्म हुआ ही नहीं था कि ऐसे में आ गए ईद, और ईद पे सना जावेद और शोएब मलिक का फिर से फोटोशूट आया जो कि काफी रोमांटिक था, और इस फोटोशूट के कमेंट्स में लोगों ने फिर इन पे तानेबाजी और उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। एक लड़की ने लिखा कि डिड यू ट्राई स्पेंडिंग ईद विद योर सन, तो दूसरी ने लिखा कि मर्द कितनी जल्दी सब भूलकर आगे निकल जाते हैं, तो तीसरी ने लिखा कि बगैरती पर्सनिफाइड, एक भाई ने लिखा कि शोएब भाई काश इतना फोकस आप क्रिकेट पे करते, तो किसी ने लिखा कि घटिया आदमी, उसके पीछे एक लड़की ने लिखा कि क्यों आ जाते हो गालियां खाने, तो एक ने लिखा कि मनहूसियत में अब नवाज शरीफ का दूसरा नंबर है, तो एक लड़की ने लिखा कि माशाल्लाह हनीमून खत्म ही नहीं हो पा रहा दोनों का। दोस्तों ये बात तो वाजह है कि शोएब मलिक और सना जावेद की शादी को पाकिस्तान समेत इंडिया में भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है कि लोगों के एक्सेप्ट करने से फर्क नहीं पड़ता। जब सना जावेद और शोएब मलिक साथ में खुश हैं, तो लोगों को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछ न कुछ वजह होगी जिसकी वजह से शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को छोड़ा। या ये भी हो सकता है कि सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक को छोड़ा हो। हमें किसी की जाती जिंदगी के बारे में तबसरा नहीं करना चाहिए, और हम कोई नहीं होते कि हम किसी को इतनी ज्यादा नफरत करें या किसी को बुरा भला कहें। दुआ है अल्लाह ताला इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे और सानिया मिर्जा को भी एक अच्छा और नेक हमसफर अता करे। दोस्तों शोबिज और ड्रामा इंडस्ट्री पे तबसरे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।